Manners and politeness are the integral part of Islam. We can't be included in Islam if we don't have them. That means polite and manners. In this regard, Prophet Muhammad said that Inna min ilayya Asana kum the most beloved of you to me are those whose manners are very good. मुझे सबसे ज्यादा महबूब वो लोग हैं जिनके अखलाक बुलंद तो हम जान सकते हैं कि अखलाक की कितनी अहमियत है एंड इन दिस लेसन टू द ऑथर एंड राइटर शोज दैट हाउ मैनर्स एंड पोलाइटनेस स्वीटन अवर एटमॉस्फेयर एंड हाउ डिसकर्टिजी एंड इल मैनर्स स्पॉयल एंड पॉल्यूट अवर एटमोस्फियर वी शुड एडॉप्ट good manners and politeness so that we could live happily life and others too and moreover the most impo important things if you did not subscribe our channel up to please subscribe now let's learn the lesson thank you let's have a brief knowledge about the alfred george gardiner's life चलिए चलते हैं अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर्स की ज़िंदगी के बारे में मुख्तर मालूम हासिल करने। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर 1865 टू 1946 वाज़ बोर्न सिक्स वॉज बॉर्न एट चेम्सफोर्ड इन सेक्स इन 1865 अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर अठारह में पैदा हुए और उन्नीस सौ में इंतकाल कर गए ही वॉज बॉर्न एट चेम्स वो चेम्सफोर्ड शहर में पैदा हुए इन इसेक्स और इसेक्स मुल्क में इन 1865, हंड्रेड में चेम्सवर्ड मुकाम पर इसेक्स मुल्क में चेम्सफोर्ड शहर में पैदा हुए ही स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज जर्नलिस्ट। उन्होंने अपना अदबी करियर सहाफ़त के तौर पर शुरू किया सबसे पहले अपना करियर उन्होंने साफ़त के तौर पर शुरू किया सबसे पहले साफ़ ही बने थे किसी अखबार के ओ एट द एज ऑफ थर्टी सेवन और सैतीस साल की उम्र में ही वॉज अपॉइंटेड एडिटर ऑफ़ द डेली न्यूज़ लंदन वो डेली न्यूज़ लंदन के मुदिर मुकर हुए थे मुदिर कहते नाजिम को इस डेली न्यूज़ के लंदन में जो अखबार शायद होता था उसके मुदीर मुकर हुए थे अंडर दिन पेन नेम अल्फा ऑफ द प्लाव ही मेड रेगुलर कंट्रीब्यूशन टू द डेली न्यूज़ द मंचेस्टर इवनिंग न्यूज़ उन्होंने अल्फा ऑफ द प्लाव तख्लु के मातहत उन्होंने डेली न्यूज़ मंचेस्टर इवनिंग न्यूज़ वग़ैरह में बाकायदगी से हिस्सा लिया शिडी कहते हैं तख्लु को कलमी नेम पेन नेम इन अखबारों में उन्होंने काम किया हिज एसेज आर यूनिफॉर्मली एलिगेंट ग्रेसफुल एंड ह्यूमरस उनके मजामी यकसा तौर पर खूबसूरत पुरकशिश और मजाया होते ह्यूमरस यानी मजाया होते हैं उनमें एक ख़ास बात होती है तीन चीज़ें बताई जा रही उनकी द पिलर्स ऑफ द सोसाइटी पीपल्स ऑन द शोर मनी फ्रोज एंड लिव्स इन दिन आर समस्ट नॉन राइटिंग्स और ये जो बयान किया जा रहा है उनकी तहरीरों के नाम द पिलर्स ऑफ द सोसाइटी पीपल्स ऑन दी पीपल्स ऑन द शोर मेनी फोरोज एंड लीव्स इन द विंड ये सबसे अच्छी तहरीरें हैं उनकी हिज यूनिकनेस लाइज इन हिज एबिलिटी टू टीच द बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ इन एन ईजी एंड अम्यूजिंग मैनर उनकी इन में वाक़ है खुशगवार अखलाक और आसानी से ज़िंदगी की बुनियादी सच्चाई को पढ़ाना यानी उनकी निफरादियत जो है यूनिकनेस जो है ख़ास तौर से किस चीज़ को पढ़ाते थे वो कि ज़िंदगी की सच्चाई को उजागर करना और अखलाक को उजागर करना ही रेज द क्वेश्चन ऑफ़ मॉरलिटी इन एवरीडे लाइफ उन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अखलाक के सवालत को उठाए कि अखलाक क्या चीज़ है इस चीज़ को बयान किया उन्होंने इन ऑन सेइंग प्लीज ही पॉइंट्स आउट द वैल्यू ऑफ द गुड मैनर्स इन सोशल लाइफ एंड इम्पिसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कर्टिजी एंड पोलाइटनेस इन डेली बिहेवियर इस सबक ऑन सेइंग प्लीज में वो अच्छे अखलाक की कदर को बयान करते हैं समाजी जिंदगी में एंड इम्पिसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कर्टिजी और जोर देते हैं अच्छे अखलाक की अहमियत पर और शाइदगी की अहमियत पर हमारे रोज़ाना के मामूल में यानी उनकी खास इस सब, सबक में वो बयान कर रहे हैं कि अखलाक की किस कदर क़दर करना चाहिए हमारे समाजी ज़िंदगी पर क्या असर अच्छा होता है इसका ऑन तो सींग प्लीज में उन्होंने ये वजात की वैल्यू ऑफ़ गुड मैनर्स इन सोशल लाइफ इंपॉर्टेंस ऑफ कर्टिज एंड पोलाइटनेस ही शोज़ हाउ पोलाइट स्पीच एंड मैनर स्विस्ट इन द एटमासफियर अराउंड एंड हाउ डिसक्रटिजी एंड इनर्ज इस्पॉइल और पॉलीटूड और ये बताते हैं कि किस तरह से शाइत कलाम और अच्छे अखलाक हमारे अतराफ़ के माहौल को मिठास से भर देते हैं कि अच्छे अखलाक से अच्छे अखलाक से और पोलाइटनेस से हमारा माहौल किस कदर ख़ूबसूरत बन जाता है इसका माहौल पर किस कदर अच्छा असर पड़ता है ये बात बयान कर रहे हैं एंड हाउ डिसकर्टिजी एंड इनमिलर्स और किस तरह से नाशाइगी यानी बदतमीज़ी और बद अखलाकी हमारे समाज को हमारे माहौल को आलूदा और बर्बाद करती है स्पॉइल एंड पॉलिटिड किस तरह से बर्बाद और आलूदा करती है हमारे एटमॉस्फेयर को ये बात बयान कर रहे हैं तो चलते हैं सबक को समझने की तरफ Bismillahir Rahmanir Rahim. We are going to learn the second lesson of the textbooks from twelfth standard on saying please. Let's see icebreakers. List the words of courtesy that we use in our daily life. Discuss them with your partner and explain the purpose of using each. There are a lot of words of courtesy we use. in our daily life to be humble to show gratitude let's see there, these are the examples sorry excuse me yes sir no sir thank you please pardon me welcome sorry we say sorry when we are ashamed of hurting them it restores the dignity of the hurt person and make them feel better we say excuse to take permission to go ahead to ask something yes sir we use this expression to agree with respect no sir we use this expression to disagree with respect thank you this is the common expression of gratitude we use it when we are grateful because they have given us something please it is used to make request pardon me

यहाँ पर आपको कौन कौन से कैरेक्टर डिजायरेबल है जिसके आप ख्वाहिशमान हैं जिस कौन कौन सी खुशियात आपको पसंद हैं मैं इनके मानी आपको बता दूंगा और आप उसमें क्लिक करना कि आपको कौन कौन से खसूसियात डिज़ायरेबल है आप चाहते हैं अपने अंदर शामिल करना मानी जानकर आप कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स को टिक कर सकते हैं कोनाइविंग नज़रअंदाज करना इनसेटिव बेहिस मकार ह्यूमरस खुश तबा नायव मासूम बेनोवेलेंट सखी इनमें आप अपने अंदर कौन कौन सी डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट पसंद करते हैं टिक कीजिए एग्रेसिव झगड़ालू स्कीमिंग साजिशी वाइज अक्ल मंदोइस्टिक खुदगर्ज़ मतकबर मनीपुलेटिव, सलीके से काम करना रूड, गुस्ताख़ नाशाइस्ता, बदतमीज़ बूस्टफुल शेखी बिगाड़ने वाला यानी बड़ी बड़ी बातें करने वाला हम्बल खाकसार सरवाइल ग़ुलामाना गुलामों जैसी टेरिटोरियल इलाकाई पैट्रोनाइजिंग सरप्रस्ती करने वाला जेनरस सखी उम्मीद है आप क्लिक कर चुके होंगे एटिकेट एंड मैनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू लिव इन द सोसाइटी। एटिकेट यानी आदाब और मेनर्स यानी अखलाक आदाब और अखलाक बहुत अहम होते हैं शख्स के लिए समाज में जीने के लिए उसके बगैर जी नहीं सकते इंसान रीड द फॉलोइंग एंड पुट देम इन अ प्रॉपर कॉलम्स दो कॉलम दिए गए हैं अप्रोपरीट इन अप्रोपरीट मुनासिब और गैर मुनासिब कि कौन कौन से आदाब मुनासिब है कौन कौन से अखलाक मुनासिब है जो अखलाक मुनासिब है तो आपको अप्रोप्रेट में लिखना है और जो नाम है उसे इन्रोप्रियट कॉलम में लिखना है तो छः एटिकेट और मैनर्स दिए गए आपको इसको आपको डिफ्रेंश करना है टू रिसीव फ़ोन कॉल्स वन यू आर इन अ लेक्चर और क्लास जब आप क्लास में होते हैं या लेक्चर में होते हैं तो उस वक्त फ़ोन रिसीव करना अप्रोप्रिएट है या इन अप्रोप्रियट है जाहिर सी बात है इनअप्रोप्रिएट है टू नॉक बिफोर यू इंटर यूर प्रिंसिपल्स ऑफिस दाखिल होने से पहले खटखटाना यह सही है अप्रोप्रिएट है टू थैंक द पर्सन हु ऑफर्स यू टी और कॉफी उस शख्स का शुक्रिया अदा करना जो हमें चाय और कॉफ़ी देता है उसका तो ज़रूर करना चाहिए क्योंकि चाय और कॉफ़ी सभी शौक़ से पीते हैं टू बी पोलाइट एंड कर्टियस टू बी पोलाइट एंड कर्टियस टू अदर्स शाइस्ता होना एक दूसरे के लिए ये भी अप्रोप्रिएट है टू लीव द क्लास रूम विदाउट द टीचर्स परमिशन उस्ताद की परमिशन के बगैर क्लासरूम से बाहर चले जाना या क्लासरूम को छोड़ देना यह आपके लिए कैसा है एप्रोप्रिएट है या इनएप्रोप्रिएट है इनएप्रोप्रिएट है टू द सीट रिजर्व फॉर लेडीज और फिजिकली चैलेंज्ड और एल्डरली पीपल ऑन अ बस और अ ट्रेन सीट पर कब्जा जमा लेना स्पेशली जो रिजर्व है फिजिकल जिस्मानी हैंडी के लिए या बड़ों के लिए ट्रेन या बस में उसमें बैठ जाना ये अप्रोप्रियट है या इन अप्रोप्रियट है इन अप्रोप्रियट है लेट्स इंजॉय द ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑन सेइंग प्लीज रिटर्न बाय अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर द यंग लिफ्ट मैन इन अ सिटी ऑफिस हु थ्रू अ पैसेंजर आउट ऑफिस लिफ्ट अदर मॉर्निंग शहरी दफ्तर में एक नौजवान लिफ्टमैन जिसने एक मुसाफिर को दूसरी सुबह अपने लिफ्ट से बाहर फेंक दिया शहरी दफ्तर में एक नौजवान लिफ्ट मैन जिसने एक मुसाफिर को बाहर फेंक दिया लिफ्ट से अब लिफ्ट मैन के साथ क्या हुआ और उसने लिफ्ट से उसे क्यों बाहर फेंका यह आगे बात बयान की जा रही है द लिफ्ट मैन वॉज फाइंड फॉर द ऑफेंस ऑफेंस के मानी होते हैं जुर्म इस जुर्म के लिए उस पर जुर्माना आयद किया गया यानी उसकी सज़ा दी गई वाज अनडाउटेडली इन द रॉंग बिला वो गलती में था किसी को बाहर फेंक देना लिफ्ट से बड़ी गलती है बड़ा गुना है इसलिए उसको उस पर जुर्माना आयद किया गया था और उसने क्यों फेंका था ये आगे बात बयान की जा रही इट वॉज़ अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज ये एक प्लीज का सवाल था ये सारा मामला प्लीज का था द कंप्लेनेंट इंटरिंग द लिफ्ट सेट टॉप शिकायत करने वाले ने लिफ्ट मैन दाखिल होते हुए कहा टॉप द लिफ्ट मैन डिमांडेड टॉप प्लीज़ अब शिकायत करने वाले ने लिफ्ट में दाखिल होते हुए कहा, कहा कि टॉप यानी मुझे टॉप जाना है ऊपर जाना है द लिफ्ट मैन डिमांडेड टॉप प्लीज़ और लिफ्ट मैन ने डिमांड किया मुतालबे किया कि मुझे टॉप प्लीज़ कहो उसमें प्लीज़ ऐड करो अपने अल्फाज में अखलाक लाओ शाइस्तगी लाओ एंड दिस कंसेशन वाज बींग रिफ्यूज़ और ये रियायत का इनकार होने पर यानी उसकी बात का इनकार होने पर ही नॉट ओनली डिक्लाइंड टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन बट हल्ड द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट इस रियायत का इनकार होने पर लिफ्ट मैन ने ना सिर्फ हिदायत पर अमल करने से इनकार कर दिया बल्कि मुसाफिर को लिफ्ट से बाहर फेंक दिया यानी यह उसने कहा कि टॉप इस बात पर अमल करने से इनकार कर दिया इस हिदायत पर अमल करने के बजाय उसने उसे बाहर फेंक दिया दिस वाज कैरिंग अ कमेंट ऑन मैनर टू फार बेशक ये बात अखलाक पर तबसरे को दूर ले जा रही थी अब ये तो अखलाक पर तबसरा होने लग गया कि क्या ये अखलाक है कि किसी को बाहर फेंक देना या किसी ने प्लीज कहना चाहिए ये दोनों बातें अखलाक पर तबसरे पर शुरू हो गई थी डिसक्रटेजी इज़ नॉट अ लीगल ऑफेंस बदतमीज़ी एक जायज़ जुर्म नहीं है इट डज़ नॉट एक्सक्यूज़ असॉल्ट एंड बैटरी और ये हमला और तशद को माफ नहीं करता कानून हमला और तशद को माफ़ नहीं करता ये भी एक जायज़ जुर्म नहीं है और बदतमीज़ी एक जायज़ जुर्म नहीं है हम किसी के साथ में बदतमीजी करेंगे उस पर हमला करेंगे तशद करेंगे तो ऐसा कानून हमें करने की इजाज़त नहीं देता इफ अ बर्गलर ब्रेक्स इन टू माई हाउस अगर चोर मेरे घर में घुस जाता है एंड आई नो किम डाउन और मैं उसे मार गिरा देता हूँ द लॉ विल एक्विट मी तो कानून मुझे बरी कर देगा यानी मुझे छोड़ देगा टू एक्विट बरी करना छोड़ देना अगर चोर मेरे घर में घुस जाता है और मैं उसे मार देता हूं तो कानून मुझे बरी कर देंगे क्योंकि ये चोर की गलती है कि मेरे घर में घुसा एंड इफ आई एम फिजिकली असल्टेड और मुझ पर अगर हमला होता है इट विल परमिट मी टू रिटिलेट विथ रीजनेबल वायलेंस और अगर मुझ पर जिसमानी हमला किया जाता है तो वो मुझे मुनासिब तश, तशद जवाब देने की इजाज़त देंगा मैं जवाबी कार्रवाई कर सकता हूँ रिटिलेट कर सकता हूँ बदला ले सकता हूं रिजनेबल वायलेंस मुनासिब तशद के साथ मैं जवाब दे सकता हूँ बदला ले सकता हूं इट डज ऐसा इसलिए करता है बिकॉज द बर्लर एंड माई एक्सलेंट ब्रोकन क्वाइट डेफिनेट कमांड्स ऑफ द लॉ क्योंकि चोर और मेरे हमलावर ने कानून के कतई अहकाम को तोड़ दिए हैं दोनों ने कानून तोड़ा है इसलिए दोनों सजावार होंगे हमलावर भी और चोर भी क्योंकि गलती दोनों की है बट नो लीगल सिस्टम अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर्स लेकिन कोई भी कानूनी निज़ाम बुरे सलूक के ख़िलाफ़ कानून साजी करने की कोशिश नहीं कर सकता लेकिन बदतमीजी अलग चीज़ है और बैड मेनर्स ये अलग चीज़ है तो कोई भी कानूनी निज़ाम ये कोशिश नहीं कर सकता कि बैड मेनर्स के ख़िलाफ़ कानून बनाए। और कुड सेंक्शन द यूज़ ऑफ वायलेंस अगेंस्ट समथिंग विच इट डज़ नॉट इट्स सेल्फ रिकोगनाइज अ लीगल पनिशेबल ऑफेंस या किसी ऐसी चीज़ के खिलाफ तशद तो के इस्तेमाल को मंजूर नहीं कर सकता जिसे वो ख़ुद भी कानूनी तौर पर काबिल सजा तस्लीम नहीं करता अब बैड मैनर्स ये ख़ुद जो है उस कानून की नज़र में गलत नहीं है तो उसके खिलाफ कैसा कानून बना सकता है? और उसके ख़िलाफ़ कैसी सज़ा दे सकते हैं? बदतमीज़ी एक अलग चीज़ है लेकिन बद अखला अलग, अलग है आवर सिम्पति विद द लिफ्ट मैन हमारी सिम्पती हमारी हमदर्दी लिफ्ट मैन के साथ है कि उस पर जुर्माना आए किया गया है उसको पनिश किया गया है वी मस्ट एडमिट डेट द लॉ इज़ रिजनेबल लेकिन हमने कबूल करना चाहिए कि कानून मुनासिब है कानून सबके लिए बराबर है चाहे बड़ा हो या छोटा हो अमीर हो या गरीब हो सिंपीती की मानी होती है हमदर्दी और एडमिट यानी कबूल करना कि सबके लिए कानून बराबर है इट वुड नेवर डू ऐसा मुनासिब नहीं होता इट वुड नेवर डू ये मुहावरा है फ्रेज है इट वुड नेवर डू जिसकी मानी होती है ऐसा मुनासिब नहीं होता इट इज़ एन अप्रोप्रिएट इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट इफ़ वी वी आर एट लिबर्टी टू बॉक्स पीपुल्स ईयर्स अगर हमें आज़ादी होती टू बॉक्स पीपुल्स ईयर्स लोगों के कान पर चाटा मारने की लोगों के कान पर थप्पड़ मारने की बिकॉज क्योंकि वी डिड नॉट लाइक दियर बिहेवियर हमें उनका सुलुक पसंद नहीं और द टोन ऑफ दियर वाइसेस और उनकी आवाज़ का लहजा पसंद नहीं और द स्कॉल ऑन देयर फेसेस उनके चेहरों के तेवर पसंद नहीं इसलिए उनको चाटा मार देते उनके कानों पर चाटा मार देते अगर हमें आज़ादी होती तो ऐसा इस तो क्या होता इसके बाद ऐसी आज़ादी अगर हमको मिल जाती आवर फीस्ट वुड नेवर बी एडल्ट तो हमारे भी मुठियाँ आधी नहीं होती खाली नहीं होती हम भी किसी न किसी को मारते रहते तो ऐसा माहौल पैदा हो जाता कि एक दूसरे को मारा मारी शुरू हो जाती जाहिर सी बात है हर एक इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है अगर हमको किसी का बिहेवियर पसंद नहीं आया तो कि चाटा मार देंगे किसी की आवाज़ पसंद नहीं आई तो क्या उसे भी चाटा मार देंगे या किसी चेहरे के तेवर हमें पसंद नहीं आए तो उसे भी चाटा मार देंगे तो अगर ऐसा करें अगर हम तो क्या होगा आवर फीस्ट वुड नेवर बी एडल्ट हमारे भी हाथ खाली नहीं रहेंगे एंड द गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन और शहरों शहर के गटर्स बहते विद ब्लड ऑल डे खून के साथ पूरे दिन भर पूरा दिन भर गटर्स जो है खून में बहते गटरों में खूनी खून होता क्योंकि इंसान एक दूसरे की फितरत और सलूक को पसंद नहीं करता इस वजह से खुना खूनी हो जाती आई मे बी एज़ अनसिविल एज़ आई मे प्लीज़ मैं उतना ही गैर महजब हो सकता हूँ जितना कि मेरी खुशी हो सकती है यानी मैं अपनी मर्जी के मुताबिक गैर महजब हो सकता हूँ एंड द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रेटलेशन और कानून मेरी हिफाजत करेगा पुरतद इंतकामी कार्रवाई के खिलाफ यानी कानून मेरी हिफाजत करेगा आई मे बी हॉटी मैं तकबर हो सकता हूँ तकबर करने वाला हो सकता हूँ और बुरिश बुरिश के मान होते हैं बदतमीज़ रूड अनकल्चर्ड मैं मतकबर हो सकता हूँ और बदतमीज़ हो सकता हूँ देर इज़ नो पेनल्टी टू पे एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ बींग रिटर्न डाउन एन इल मेनर्ड फेलो देर इज़ नो पेनल्टी टू पे इसके लिए कोई पेनल्टी अदा करनी नहीं है अगर मैं बदतमीज़ हो सकता हूँ या मुतकबर हो सकता हूँ तो इसके लिए मुझे कोई पेनल्टी नहीं देनी है एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ बींग रिटर्न डाउन एन इल मेनड फेलो सिवाय बेदब या बदतमीजी साथी साथी लिख दिए जाने की मेरे खिलाफ़ कोई पेनल्टी हो नहीं होती अगर मैं मुतकबर हो जाऊँ या बदतमीज़ हो जाऊँ तो सिवाय मेरे खिलाफ़ इतना ही कानून बोलेगा कि ये बदतमीज साथी है इतना ही हो सकता मुझे कोई पेनल्टी अदा करनी नहीं है द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज कानून मुझे प्लीज कहने के लिए मजबूर नहीं करता टू कंपेल मजबूर करना और टू अट्यून माई वॉइस टू अदर्स पीपल्स सेंसिबिलिटीज एनी मोर देन इट सेज दैट आई शेल नॉट वेक्स माई मॉस्टेज और डाई माई हेयर और वेयर रिंगलेट्स डाउन माई बैक और अपनी आवाज़ को लोगों के एहसास के मुताबिक बनाऊं अट्यून यानी आवाज़ देना और इससे कहीं ज़्यादा कहें कानून मुझे और ये कहे कि मैं अपनी मुँछे साफ़ ना करूं वैक्स के मायने होती साफ़ करना या अपने बालों को ना रंगूं या पीठ पीछे बालों की लटियाँ ना रखूँ रिंगलेट्स लटियाँ इसके लिए मुझे कानून मजबूर नहीं करता कि मैं किसी को प्लीज कहूँ या लोगों की आवाज़ में आवाज़ मिलाऊँ और इससे ज़्यादा मुझे कानून ये भी कहे कि मैं मुझे साफ़ ना करूँ या बालों को ना रंगूँ या पीछे बाल बालों की लटियाँ ना रखूँ इसके लिए कानून मुझे कंपेल नहीं कर सकता मजबूर नहीं कर सकता फोर्स नहीं कर सकता ये मेरी मर्जी है इट डज़ नॉट रिकोगगनाइज द लेसरेशन ऑफ आवर फीलिंग्स एज अ केस फॉर कम्पेंसीशन कानून तस्लीम नहीं करता द लेसरेशन ऑफ़ आवर फीलिंग्स हमारे एहसास की ठेस को एज अ केस केस के तौर पर फॉर कम्पेंसीशन मावज़े के लिए कि अगर हमने केस दर्ज किए कि हमारे एहसास को ठेस पहुंची है तो इसके लिए कानून हमें कोई कंपेंसीशन नहीं देता कोई मुआवज़ा नहीं देता और ना ही हम केस दर्ज कर सकते हैं देर इज़ नो अलाउंस फॉर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेजेस इन दिस मैटर्स और इस मामले में कोई वजीफा नहीं मिलता अकली और अखलाकी नुकसान के लिए कि हमारा अकली और अखलाकी नुकसान हुआ है तो इसके लिए हमको कोई अलाउंस नहीं मिलता इस मामले में कोई वजीफा भी नहीं मिलता दिस डज़ नॉट मीन डैट द डैमेज आर नेग्लिजिबल अब इसका ये मतलब नहीं है कि नुकसान काबिल नज़रअंदाज है, बल्कि इनका भी ज़िक्र होना चाहिए इट इज़ प्रॉबेबल डैट द लिफ्ट मैन वॉज़ मच मोर एक्यूटली हर्ट ये अमकान है कि लिफ्ट मैन को बहुत ज़्यादा चोट पहुँची थी अक्यूटली बहुत ज़्यादा उसको चोट पहुँची थी कि उसको प्लीज नहीं कहा गया था बाय वाट ही रिगार्डेड एज अ सलर अपॉन ही सोशल स्टैंडिंग जिसकी वजह से वो उसे अपने माशरती मौकूफ़ पर कलंक समझता था ये मेरा सोशल स्टैंडिंग यानी सामाजिक मैार मेरा जो है मैं गरीब हूँ और मुझ पर यह कलंक है कि मेरे साथ में ट्रीटमेंट सही नहीं किया जा रहा है बर्ताव सही नहीं किया जा रहा है मेरे साथ में मिसबिहेवियरिंग हो रही है मेरे सोशल स्टैंडिंग की वजह से तो वो उसे कलंक समझता था रिगार्ड समझना तस्लीम करना सोचना सलर् कलंग देन ही वुड हैड किक ऑन हिस्स इससे तो बेहतर होता इसके मुकाबले में तो बेहतर होता कि उसके पिंडली पर लात मारी होती यानी वो ऐसा समझता है कि अगर उसकी पिंडली पर लात मार दी जाती तो बेहतर होता फॉर विच ही कुड हैव गॉट लीगल रिड्रेस जिसके लिए वो कानूनी अजाला हासिल कर सकता था कि अगर उसकी पिंडली पर लात मार देता अगर वो मिसबिहीवियर करने वाला तो उसको इसका इजाला मिलता उसको मुआवज़ा मिलता कंपनसेशन मिलता लेकिन उसके सोशल स्टैंडिंग पर हमला हुआ है तो इसका तो कोई कानूनी इजाला नहीं बनता कंपनसीशन नहीं बनता तो उसे पछतावा हुआ है द पेन ऑफ अ किक ऑन द श पासिस बट द पेन ऑफ अ ओन टू आवर सेल्फ रेस्पेक्ट और आवर वेनिटी में पॉइजन अ डे हमारी पिंडली पर मारी गई लात का दर्द बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है लेकिन हमारे इज्जत पर किए हुए हमले का दर्द हमारे हमसे जल्दी ख़त्म नहीं होता यह पूरे दिन को बर्बाद कर देता है आई कैन इमेजिन डैट लिफ्ट मैन डीनाइड द डिनाइड द रिलीफ ऑफ थ्रोइंग द ऑथर ऑफ इज ओन आउट ऑफ द लिफ्ट मैं तसवर कर सकता हूँ कि लिफ्ट मैन को पैसेंजर को बाहर फेंकने का सुख लेने से इनकार नहीं था कि मुझे इसका सुख तो लेना ही है कि इसको बाहर फेंक दो क्योंकि इसने मुझे मेरे जमीर पर ठेस पहुँचाई है मेरे स्टेटस पर ठेस पहुँचाई है बोर्डिंग ओवर द इंसल्ट बाई द ओवर और इस इंसल्ट की वजह से दिन भर परेशान रहना घंटों परेशान रहने की राहत से भी इनकार कर दिया उसने एंड विजिटिंग इज़ वाइफ इन इविनिंग एज द ओनली वे ऑफ रिस्टोरिंग हिज इक्विलीब्रियम और घंटे पर परेशान रहकर बेज़ती के बारे में सोचते रहने से भी इनकार कर दिया उसने और इस तवाज़न को बहाल करने का वाद रास्ते के तौर पर शाम को अपनी बीवी से मिलने की राहत से भी इनकार कर दिया कि भाई अब वो जो टेंशन है मैं अपनी बीवी से शेयर नहीं कर सकता या बीवी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता या उसको घंटे सोचते हुए रहने को बर्दाश्त नहीं करता इससे तो बेहतर है कि इसी को उठाकर फेंक दिया जाए बाहर फेंक दिया जाए उसने वहाँ का टेंशन वहीं ख़त्म किया उसने घर पर नहीं लाया और अपने साथ नहीं रखा ये उसने बेहतर समझा कि इसको इसी तरह से हल करना चाहिए करके इक्लेबेम के मानिए होते हैं तोज़न बैलेंस फॉर देयर आर फ्यू थिंग्स मोर कैचिंग दैन बैड टेम्पर एंड बैड मैनर्स कुछ ही चीज़ें पुरकशिश होती है बदमिजाद और बद अखलाक के मुकाबले में यानी बद अख्लाक से और बदमिजाजी से के कुछ ही चीज़ें पुरकशिश होती है वेन सर एंथोनी एप्सोल्यूट बलीड कैप्टन एप्सोलूट द लेटर वेंट आउट एंड बलीड इस मैन फैग वेर अपॉन फैग वेंट आउट डाउन स्टेयर एंड किगड द पेज बॉय यहाँ पर एक ड्रामे का वाक्य बयान किया जा रहा है दिस अमेजिंग इंसिडेंट इज़ डिस्क्राइब्ड इन एक्ट थ्री एंड साइन सीन फर्स्ट ये खुशगवार वाक्य जो है खुश करने वाला वाक्य जो है वो राइवल्स सत्रह ये ड्रामे से लिया गया है जिसका नाम था राइवल्स यानी बागी एक कॉमेडी ड्रामा है जो शेरडन ने लिखा है और सन एंथोनी इसमें कैप्टन है और वो जैक एप्सोलट्स के फादर हैं और फैग इज़ सन्स सर्वेंट और इसमें फैग जो है खादिम का बेटा है तो देखिए क्या वाक्य हुआ तो वेन सर एंथनी एप्सोलट बलीड कैप्टन एब्सल्यूट जब सर एंथनी ने अपने बेटे कैप्टन एब्सल्यूट को धमकाया उसके बाद उस आदमी ने यानी जिसको धमकाया गया उसने फैक को धमकाया जिसका नाम फैक था वेयर अपॉन जिस पर फैक वेंट डाउन स्टेयर और फैग चिड़ियों से नीचे उतरा एंड किग्ड द पेज बॉय और पेज बॉय को लात मारी यानी ये बात बताई जा रही है कि हम ए अपना गुस्सा दूसरों पर कैसे उतारते हैं अगर हम किसी के साथ बुरे सलूक कर बुरा सलूक करते हैं तो वो फिर टेंशन में आकर दूसरे के साथ बुरा सलूक करता है इस तरह से एटमॉस्फेयर और माहौल ख़राब होता है और इट स्पॉइल आवर सोसाइटी एंड सोशल स्टैंडर्ड प्रॉबेबली द मैन हुट टॉप टू द लिफ्ट मैन वॉज रियली ओनली गेटिंग बैक ऑन हिज इम्प्लॉयर वो हैड नॉट सेट गुड मॉर्निंग टू हिम बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड बीन हैंडपैक्ड एट द ब्रेकफास्ट बाई हिज वाइफ शायद वो आदमी जिसने लिफ्ट मैन को टॉप कहा था दुखी हो रहा था अपने आजीर पर आजिर कहते एम्प्लॉयर को बॉस को हु हैड नॉट सेड गुड मॉर्निंग यानी जिसने उसे गुड मॉर्निंग नहीं कहा था यानी वो आदमी जिसने उसको टॉप कहा था प्लीस टॉप प्लीस कहने की बजाय लिफ्ट मैन को वो गुस्सा हो रहा था अपने बॉस पर नाराज़गी ज़ाहिर कर रहा था कि जिसने उसे गुड मॉर्निंग नहीं कहा था बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड बीन हैंडपैक्ड एट ब्रेकफास्ट बाई हिज वाइफ जो ख़ुद भी नाश्ते के वक्त बीवी से सताया गया था मैंने उसे भी जो है जो नाराज़ हुआ था जिसने कहा था टॉप वो भी अपनी बीवी से सताया हुआ था नाश्ते के बाद टू होम द कुक हैड बीन इंसुलेंट जिसके साथ भी जो कुक था कुक थी उसने भी उसके साथ नाशाइ बर्ताव किया था इंसुलेंट रूड बिकॉज द हाउस मेड हैड एंसर्ड हर बैग क्योंकि उसकी खादिमा ने उसे उल्टा के जवाब दिया था हाउस ने उसे उल्टा के जवाब दिया था इसलिए वो नाराज़ थी वो टेंशन में थी उसने अपना उस टेंशन अपने शोहर पर उतारा और उस उस शोहर ने अपना गुस्सा लिफ्ट मैन पर उतारा तो लिफ्ट मैन ने फिर उसको उठाकर बाहर फेंक दिया इस तरह सिलसिलेवार नाशाइगी होती रही तो हम किस तरह नाशाइगी के बीज हमारे समाज में बोकर अपने माहौल को ख़राब कर देते हैं वी इन्फेक्ट वर्ल्ड विद आवर इल ह्यूमर्स हम बीमार मजाक से दुनिया को सराहियत करते हैं यानी मुतासिर करते हैं यानी ये जो बीमार मजाक है दुनिया में फैलाते हैं यानी बद अखलाक दुनिया में फैलाते हैं हम बैड मैनर्स प्रॉब्ली डू मोर टू पॉइजन द स्ट्रीम ऑफ द जनरल लाइफ देन ऑल द क्राइम्स इन द कैलेंडर बद अखलाकियात आम जिंदगी के चश्मे में ज़्यादा जहर घुलते हैं बन कैलेंडर में तमाम जुराइम के यानी जितने कैलेंडर में जुराइम होते हैं उससे भी ज़्यादा जहर आम जिंदगी में आम जिंदगी के चश्मे में घोला जाता है बद अखलाकियात के जरिए से फॉर वन वाइफ हु गेट्स अ ब्लैक आई फ्राम एन अदरवाइज गुड नेचर हजबेंड क्योंकि एक बीवी जिसकी आंख जख्मी हो जाती है अच्छे अखलाक वाले मर्द से भी देर आर अंड्रेड हु लिव अ लाइफ ऑफ़ मार्टिडम अंडर द शेडो ऑफ़ द मोरोस टेम्पर तो ऐसे सैकड़ों हैं जो शहीद की तरह ज़िंदगी गुजारती हैं चिड़चिड़े मिजाज वाले के साय में एक शरीफ आदमी के मातियत एक औरत की आँख जख्मी हो जाती है तो, ऐ, तो ऐसे तो सैकड़ों है जो कि मिजाजन चिड़चिड़े हैं मोरोस हैं, तो उनका क्या हाल होता होगा जो एक शहीद की तरह ज़िंदगी गुजारती है उनके साय में उनके जुल्मों के सय में बट ऑल द सेम द लॉ कैन नॉट बिकम द गार्डियंस ऑफ आवर प्राइवेट मिनर्स लेकिन फिर भी कानून हमारे निजी अखलाक का मुहाफिज नहीं बन सकता नोट लॉक कुड कवर वास्ट एरिया ऑफ ऑफेंसेस बाइबल के दस हुक्म भी जराइम के वसी इलाके को घेर नहीं सकते एंड नो कोर्ट कुड एडमिनिस्टर अ लॉ विच गवर्न आवर सोशल सिविलिटीज़ आवर स्पीच द टिल्ट आवर आईब्रोज एंड ऑल आवर मूड्स एंड मेनर्स और ना ही कोई अदालत ऐसा कानून नाफिज कर सकती है जिसमें हमारी सामाजिक नागरिकता हमारी तकरीर हमारे भवों के झुकाव हमारे मिजाज और हमारे अखलाक पर हुक्मरानी करें अब ऐसी बात है कि कानून ये नहीं बोल सकता कि तुम कैसी तकरीर करें कैसे बोले कैसे अखलाक से बर्ताव पेश करें या भवें तिरछी रखे कि सीधी रखे ये ऐसा कानून नहीं बन सकता और ना ही बाइबल के दस हुक्म भी इस चीज़ को कवर नहीं कर सकते इसको घेर नहीं सकते इसको नाफिज नहीं कर सकते ये तो निजी मामला है ना इसमें ना मजहब साथ दे सकता है और ना ही कानून इसमें हमारी कोई मदद कर सकता है और इस पैसेज के आखिर में आपको एक पैराग्राफ दिया जा रहा है जो आपको हल करके देना है सवाल दिए गए इसके पूरा पैसेज के आपको बारह नंबर के लिए ट्वेल्थ में ये पैसेज पूछे जाते हैं एक पैसेज बारह नंबर के लिए तो एक पैसेज के क्वेश्चन मैंने आपको दिया हूँ आपको हल करके देना है इसके ग्रुप में तो ए वन आता है जिसे ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग के सवालत पूछे जाते हैं ये दो नंबर के लिए पूछा जाता है और इसमें इन द ब्लैंक्स करेक्ट इनकरेक्ट ट्रू और फॉल्स ये पूछी जाती है तो अभी तो आपको इसमें से दो स्टेटमेंट पैसेज के मुताबिक कौन से सही है ये बताना है चार में से दो कौन से सही है जिन्होंने पैसे समझे हैं वो चार में से दो आसानी से इसको पहचान सकते हैं ये चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से दो सही कौन से हैं फिर दूसरा आता है ए टू इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको इसमें बताना पड़ता है द मैन द लिफ्ट मैन थ्रू द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट बिकॉज इसमें रीज़न बताना है इफ़ यू आर हार्ट वी कांट केस फॉर कंपेंसेशन बिकॉज इसमें भी रीज़न बताना है पॉइंट आउट ए थ्री ये भी दो मार्क आता है इसमें आपको तवील आंसर देना पड़ता है बैड मैनर्स इन्फेक्ट अदर्स डिस्क्राइब इट आपको बताना है कि किस तरह से बैड मैनर्स दूसरों को मुतासर करते हैं लैंग्वेज स्टडी में ग्रामर आता है ये भी दो मार्क आता है इसमें नॉट ओनली बडल्सो दिया गया है आपको एज वेल well एज इस्तेमाल करना है दूसरे में चेंज द वाइस इस्तेमाल करना है फिर ए सिक्स में आता है आपको ओकेबलेरी जिसमें वर्ड के मायने चूज़ करना होता है तीन ऑप्शन दिया थे, उसमें से एक कौन सा सही है ये बताना है तो बॉक्स की मायने क्या है यहाँ पर किल हग फाइट विथ फिस्ट लेजिस्लेट के मायने क्या है यहाँ पर मेक लॉ मेक हैप्पी मेक एंग्री तो आपको ज़रूर ग्रुप में या इसके पेज इसके कमेंट बॉक्स में इस पैसेज को हल करके देना है आपको है आप देंगे और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए उसी का भी लिंक पहले वीडियो में दे दिया जाएगा सुन हम जल्द ही दूसरा भी वीडियो बनाएंगे ऑन सींग प्लीज पर थैंक यू